आज मैं आपको ना फोर ऐसे कलर्स बताने वाली हूँ जिसको हम बनाने में ना काफी ज्यादा सोचते हैं कि हमें कैसे बनाना है ये कलर, ये बन नहीं रहा है परफेक्ट शेड कैसे बनाना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निष्ठा। तो चलो फिर बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला कलर बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें चाहिए टाइटेनियम व्हाइट, वेरेडियन ह्यू और पर्शियन ब्लू। ठीक है, ये तीन कलर को मिक्स करेंगे तो हमें एक ब्यूटीफुल सा टील ब्लू कलर मिलेगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप टील ब्लू कलर बनाओ तो आपको यहाँ पे ब्लू की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा और हमारा ब्यूटीफुल सा कलर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट शेड बनाने जा रहे हैं कलर का, जिसके लिए हमें चाहिए होगा क्रिम्सन लेक, कोबाल्ट ब्लू और टाइटेनियम व्हाइट। ठीक है, ये तीन कलर्स जब हम मिक्स करेंगे ना तो हमें एकदम ब्यूटीफुल सा लैवेंडर कलर मिल जाएगा, जिसमें आपको ना दोनों की क्वांटिटी को इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा पिंक कर दोगे तो पिंकिश में हो जाएगा, ज्यादा ब्लू कर दोगे तो वो ब्लू की तरफ ज्यादा जाएगा। परफेक्ट कलर के लिए आपको दोनों को इक्वली मिक्स करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा होगी इसमें। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगी सारे कलर्स को स्वॉच करके, जिससे आपको एकदम करेक्ट शेड्स का पता चलेगा। और ये जो शेड है ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा है और इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रिम्सन लेक, वर्मिलियन ह्यू एंड टाइटेनियम व्हाइट। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके जब हम कलर बनाएंगे ना तो हमें एक ब्यूटीफुल सा रोज कलर मिलेगा। और जिनको अगर शायद नाम में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। वैसे ये कलर्स की लैंग्वेज है तो हो सकता है नॉर्मल पीपल को नहीं समझ में आ रही हो। और यहाँ पे हमें इतना सुंदर सा ये रोज पिंक कलर मिला है, आप इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, कोई भी फ्लावर वगैरह में, रोज में इतने ब्यूटीफुल रोज बनते हैं इनके। तो यहाँ पे अब मैं लास्ट कलर बताने जा रही हूँ आज का। यहाँ पे आपको सेम कलर्स लेने हैं जो आपने सबसे पहले लिया था, आपको लेना है वेरेडियन ह्यू, पर्शियन ब्लू एंड टाइटेनियम व्हाइट। ठीक है, ये तीन कलर्स लोगे और आप इनको ना मिक्स करना और देखना कितना ब्यूटीफुल सा टी ग्रीन कलर आएगा। बट आपको ग्रीन की क्वांटिटी को ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी आपको एकदम ब्यूटीफुल सा टील ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, और अब आप देखो इनके स्वॉच मैंने जो भी लगाए हैं कितने ज्यादा सुंदर आए हैं, मतलब आप देख सकते हो ये लैवेंडर और पिंक एंड टील ग्रीन, टील ब्लू, मतलब बहुत अच्छा लगा है। और आप ये सारी चीजें ना वाटर कलर में भी कर सकते हो, ऑयल में भी कर सकते हो, हर एक मीडियम में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वाटर कलर में ये सब करके बताऊं ना तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो, तो मैं वाटर कलर की भी वो सेम वीडियो बना के ले आऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि और शेड्स बताऊं आपको मैं, तो जल्दी से मुझे सब कुछ कॉमेंट कर देना। ठीक है, तो आई होप आपको ये कलर मेकिंग वीडियो आज की अच्छी लगी हो। मैंने सोचा कि मैंने हर चीज बताई है, आपको कभी कलर मेकिंग का नहीं बताया है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।